आप ये क्लिप समाप्त करें अगर आज हम इस फलसफे को किसी को मान लें कि सैयदा तय्यबा ताहरा फातिमा तोहरा अनहा से खता हो सकती है तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी आपने सुना इस शख्स ने यह कहा कि अगर आज हम इस फलसफे को मान लें कि सैयदा फातिमा रजियला अनहा से खता हो सकती है तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी नाजरीन सबसे पहले एक तो ये बात है कि जो भी शख़्स दुनिया से चला गया है ये तो सईदा पाक रदी अल्लाह तहा है ज़ाहिर है कि अब जो दुनिया से चला गया उससे तो खता हो ही नहीं सकती और ये जो मौजू है यकीनन जो ज़ेर बहस है कई दिनों से इस मुल्क में और पूरी दुनिया में वो बाग फ़दक के लिहाज से सैयद तयब ताहिरा रदी ताला तहा का दावा करना उसके लिहाज से जो माजी में एक वाकया पाया गया है उसके लिहाज से मौजू है और ये शख्स भी वही बयान कर रहा है तो इसने ये राय पेश कर दी यहाँ पर अपनी अपना मौकफ़ कि हजरत सदा फ़ातिमा रदी अल्लाह तहसे इमकान ख़ता का जो अकीदा रखे तो इससे सारे इस्लाम की इमारत गिर जाएगी माजल्ला दूसरे लफ्जों में यानी ये शख्स ये बता रहा है कि सदा फातिमा रदी अल्लाह तहा से खता हो ही नहीं सकती थी खता का इमकान ही नहीं था वकूह तो बड़ी दूर की बात है इस शख्स ने अपनी गुफ्तगु में सयदा फातिमा रजा अल्लाह त से ने खता की नफी की और सिर्फ नफी नहीं की बल्कि यह इल्जाम लगाया कि जो कान खता मानता है तो वो माजला पूरे इस्लाम की इमारत गिरा रहा है अगर आज हम इस फलस को किसी को मान कि जहरा लेदा तय्यबा फातम से खता हो सकती है तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी तो इस्लाम की इमारत गिर जाएगी रवाफिस का तो ये अकीदा है कुरान सुनत के खिलाफ चौदह सदियों में जिस पर आय अह सुन्नत ने उसे कुफर करार देकर रद्द किया कि वो आइमा को और सईदा फातिमा रजियाल्लाहा को बारह इमामों को वो मासूम मानते हैं और उनके नजदीक मासूमियत में खत इजतहादी का भी इम्कान नहीं होता इस बुनियाद पर उनका तो ये अकीदा है लेकिन इस शख्स का जिस मसलक से ताल्लुक है क्या उस मसलक में भी ये है क्योंकि इस बात से सौ फ़ीसद ये चीज़ लाजिम आ रही है कि एक गैर नबी को नबी की हम पल्ला या जिस अकीदे के लिहाज से ये बात की जा रही है जिस फ़िरके के उसमें तो मासूम का दर्जा नबी से भी ऊपर है तो नबी की हम पल्ला या नबी से ऊपर मानना ये लाजिम आ रहा है इस शख्स की गुफ्तु में और ये उस दर्जे की तोहिन नबूवत है कि डिस को चौदह सदियों के अंदर आईमा ने कुफर करार दिया है तो यह शख्स इस मुल्क में तहफुज से रिसालत की बात करेगा यह शख्स इस मुल्क के अंदर से रिसालत पे पहरा देगा अफसोस है मुझे ये दाएं बाएं बैठे हुए असहाब जुब्बा और दस्तार को मैं इनकी सियादत को चैलेंज नहीं करता मैं इनके दिनिया की महारत को चैलेंज नहीं करता मगर क्या कहा जाए कि इतना बड़ा कुफर बका जा रहा था और ये सारे वहाँ बैठे दाद दे रहे थे इन तमाम लोगों को भी अपनी अपनी हैसियत वाज़े करना चाहिए वरना आगे जो हुक्म लगेगा उसके लिहाज से इन सब को हिस्सा मिलेगा मैंने इस मसला में जो पहले मेरी गुफ्तगु के लिहाज से मुल्क के अंदर एक मसला चल रहा था जो कि मैंने हजरत सईद नपीर महर अली शाहिब रही की किताब तस्फिया के लिहाज से गुफ्तगु की जो उन्होंने रवाफिज की इस दलील में कहा कि जब सईद पाक रदी अल्लाह तला दावा कर रही थी फदक का तो वो नाजायज काम का इतकब कैसे कर सकती थी यानी ख़ता का वहाँ तो इमकान ही नहीं था और हज़रत पीर साहब रमत ने तस्वीर में जवाब में कहा नहीं खता का इमकान था जो उसूल के मुताबिक आगे चूँकि एक माजी की बात है जो यकीनन हो चुकी है तो इस लिहाज से वो जब इमकान उसका जिक्र करेंगे तो वह वकूके महीने में होगा सईदा पाक अल्लाह पाकर ने दावा फदक फरमाया था अब रवाफिज सिद्दीक सदी केन्हा पर सारा बोझ डालना चाहते हैं इस बुनियाद पर कि सईदा पाक अल्लाह पाकर तो मासूमा थी उनके दावा में तो खता का इमकान ही नहीं था तो हजरत पीर साहब ने जवाब दिया कि इस तरह तुम सईद नसीदी के अकबर रदी अल्लाह तन को माजल्ला ालिम या गासिब करार ना दो हरगज वो ालिम या गासिब नहीं और हजरत सईद पाक रदी अल्लाह तहा बहुत सी शानों की मालिक हैं मगर मासूमा नहीं और जब मासूमा नहीं तो फरमाया कि खता का इम्कान था यह चौदह सदियों में हम अह सुन्नत व जमात का मसलक रहा है चौदह सदियों में जिस पर हम हजारों हवाला जात पेश कर सकते हैं आज कुछ लोग हमारे फिरके की अहल सुन्नत व जमात के न जाने किस वजह से उन्हें फ्रेब दिया गया और वो अड़ने लगे इमकान खता के मसले पर और मासूमियत मानने लगे मिसदाक के लिहाज सईदा पाक रदी अल्लाह अनहा को कि मासूमियत मानने लगे लफ्ज मासूमा बोले बगैर यह कह कहकर के ख़ता का वहां इमकान ही नहीं था तो यही तो मासूमियत है तो इस तरह हमने उन लोगों का रद्द किया और इस रद में हमारे खिलाफ जो तूफान उठा सबके सामने है मगर मैंने इस रद्द के दौरान देबंध के ऊल्मा से या इससे रिलेटेड जितने हैं किसी एक से मैंने अपनी हिमायत का तकाजा नहीं किया अगरचे इन जमातों के कई लीडरों के खतूत मेरे पास आए मौजूद हैं कि जिन्होंने कहा कि आप कहें तो हम आपके हक में बयान दें हम आपके साथ हैं यह है वो है लेकिन मैंने किसी के साथ फोन पर बात करना भी पसंद नहीं की जो जो लोग रबता कर रहे थे बात करने के लिहाज लेकिन आज मैं इस शख्स के लिहाज से उलमाए देवबंद और तमाम बहाबी जमातें खा वो मुखलद हों या गैर मुख जो अपने आप को हदीस कहते हैं खा उनका ताल्लुक इनके किसी सेक्शन से भी हो मैं आज मसला पूछता हूँ कि इस शख्स ने जो ये कहा कि सैदा फातिमा तय्यबा ताहरा रदी अल्लाहा से खता का इमकान ही नहीं था ने खता की नफी की और फिर इमकान खता को मानने का जो अकीदा है इसे पूरे इस्लाम पर हमला करना करार दिया तो देवबंद और तमाम वहाबी तंजीमों पर अब लाजिम है क्या उनका भी यही मजहब है क्या उनका भी यही मौकेफ है या वो भी ये कहकर हजरत सईदा फातिमा रजियल तहा को मासूमा ही मानते हैं या उनका ये मौकफ नहीं है तो इस बुनियाद पर आज गवाही देने का वक्त है इस सिलसिला में अपनी जिम्मेदारी अपने मसलक की जिम्मेदारी क्योंकि हमारे जो इख्लाफात हैं और देबंद से और दीगर वहाबी तंजीमों से वो एक तयशुदा हकीकत है लेकिन ये जो मामला है मासूमियत का इसमें मेरी मालूम के मुताबिक तो देवबंद और ये वहाँ भी तंजीमें उनका भी ये मसलक नहीं मैं तो सैकड़ों हवाले उनके पेश कर सकता हूँ कि वो सिर्फ अम्बिया किराम को मासूम मानते हैं और सिबा किराम रजी अल्लाह और अहल बैत अत रजियाल्ला को मासूम नहीं मानते लेकिन ये शख्स जो मुतहदा बोर्ड का चेयरमैन भी बना हुआ है और बात वो कर रहा है जो उम्मत में रवाफिज के सवा आज तक किसी ने नहीं की तो इसके फिरके के बोलकर इसका शरी हुक्म बताएं क्या इसके इस, इस बयान से तोहन रिसालत नहीं हुई क्या गैर नबी को नबी के हम पल्ला या ऊपर करार देना यह तोहिन रिसालत नहीं है अगर नहीं तो फिर भी बताएं अगर है तो फिर भी बताएं लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी यानी इस मसला के लिहाज से जो हुक्म लगता है वो जरूर आना चाहिए